इतिहासिक स्थान है तारावाला पुल, जिथों के पहली बारी अमृतसर ते श्री हरिमंदर साहब नूं जिहड़ी है बिजली सप्लाई की गई सी। इस नूं सरकार वल्लों एक प्रोजैक्ट के रूप में लिया गया, इहनूं एक पिकनिक स्पॉट के विच तब्दील किया गया। एडा सोहना बनेगा कि शाम नूं लोग सैर करनी पसंद करनगे। जिहड़ी हौदी है एक बनी हुई है, उहदे राहीं जिहड़ा पानी अगे जांदा सी, उह सामने जिहड़ा एक प्लेटफॉर्म तुसी देख सकदे हो। जिहड़ा वॉक चल रहा है इस वेले एक इतिहासिक स्थान है तारावाला पुल, जिथों के पहली बारी अमृतसर ते श्री हरिमंदर साहब नूं जिहड़ी है बिजली सप्लाई की गई सी। इस नूं सरकार वल्लों एक प्रोजैक्ट के रूप में लिया गया, इहनूं एक पिकनिक स्पॉट के तब्दील किया गया। साडे नाल मौजूद ने स्थानक सरकारां दे मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर, वह इत्थे अज जिहड़ा मुआयना करन आए ने, नाल ही उद्घाटन भी करन आए ने। सो उन्हां नाल गलबात करके जानते हैं भी इस नूं जिहड़ा किस तरह बनाया गया, तो किन्ना ते जिहड़ा खर्चा लगा, तो अगे किस तरह इहदी जिहड़ी है होर डिवेलपमेंट होएगी। हाँ जी सर, सर बनाई इसे करके सर जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया इतिहासिक स्थान है, तो किस तरह मतलब किस तरह टेकअप किया, क्योंकि अबैंडेंड पिया से ना बिल्कुल, लेकिन बिल्डिंग बहुत सोहनी सी, लोग इतों चोरी चारी करके समान लगे थे, टर्बाइनस वगैरह नहीं खड़ सके, शायद भारियां बहुत सीगियां, तो इस करके फिर दिमाग च आया कि इन्हू क्यों ना बहुत सोहना डिवेलप करके तो शहर वासियों को दिता जाए, क्योंकि जिन्हें यह जो स्पॉट्स दिए जाएंगे उन्हें ही लोग शाम को बाहर निकल सकते हैं, रिक्रिएशन हो सकती है, लोगों को आने जाने वास्ते अमृतसर जगह बहुत घट है, तो साढ़े को अपर बारी दुआब कराल की लोअर मेन ब्रांच है ना जी, और सामने जी लैफ्ट साइड जा रही है, तो यू असी डिवेलप सारा करांगे, इतों लैके तरन तारण वाले पुल तो अगे भी जावांगे, इधर बल्ले तो अगे भी जावांगे, इनू बहुत सोहना एरिया बना देना, इट बी ब्यूटीफुल, ताकि लोग जाके सैर कर सकन, अपनी फैमिली लैके जा सकन। और अगर तुम उजाड़ देख रहे हो ना, इनू भी असी सोहना बना के पदरा करके इतों इस तरह ही वॉक बना देनी है। तो दरख्त दो ही तरीके के पौधे है, एक यूकलिप्टस है और दूजा किकरा है, इतने ज्यादा दरख्त कोई नहीं है, बाकी जड़ी बूटी है, सो जड़ी बूटी अभी साफ करके सोने फुलों वाले बूटे लावे, इतने आप बेंच लावे बहन वास्ते, सोनी चौड़ा एक राह बनेगा सैर करने वास्ते, और हट्स वगैरह बना देंगे, विल मेक दिस ब्यूटीफुल, सोना बनावे। सर इन कितों कितों तक प्रोजेक्ट जरा लैके जाया जाना, क्योंकि उधरों बाबा भूरी वाले का भी जो चल रहा है काफ़ी प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया, ये साडा कोऑपरेशन वाली है ना, जिन्ना को उन्ना को होंगे, देखो एक प्राइवेट प्राइवेट अदारा जोड़ा है या कोई भी धार्मिक अदारा है, वो को लिमिटेड रिसोर्स होंगे, सो बाबा जी तो इस तरह करते कि जो उन्होंने एक्सट्रा को फंड लाए हुए हैं, जो अपने रूटीन चो नहीं कटते, चो कढ़ के लोगों को लैके तो उत्थे लाई जाते हैं, लेकिन किन्ने हो सकते हैं, गवर्नमेंट को पैसे बहुत होंगे, साढ़े को रिसोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, सो असी रल मिल के काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑन बोर्ड लाँगे, जे साढ़े को कोई सिस्टम हो कि असी उन्होंने किसी तरीके ने पैसे पास ऑन कर सकते हुए सोशल ऑर्गनाइजेशन, तो असी पास करा, क्योंकि काफ़ी सारे पैसे फिर अपने 100 रुपए देंगे तो 5 रुपए जेबों ला के लाएंगे उत्थे, सो असी यह भी करा ताकि उन्होंने कोऑपरेशन सू 100% मिल सके। सर साल च कन्वर्ट करके दसा गया वाइया। ओके सर, एक प्रोजेक्ट जिन्ना मिथ्या गया कि उन्हें गया, क्योंकि कल कह रहे कुछ लोग कि रोक दिता गया, मतलब जिन्ना होना सीगा उन्ना नहीं होया, कोई परमिशन से गल हो रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों, ऋषि जी को थोड़ी जी परमिशन रहती है जी, अच्छा थोड़ी परमिशन रहती है, लेकिन असी जो दूजा काम कर रहे हैं ना उसकी परमिशन आप ले ली हुई है, वो प्रोजेक्ट बन चुका है, वो जा चुका है, सानू इस साल पैसे भी मिल जाने मार्च तो बाद, तो जिस समय पैसे मिलते असी इतों मिट्टी पवा के इनू पदरा करके मतलब उच्चा नहीं मैं रहन देंगे, लेकिन एडा सोहना बनेगा कि शाम को लोग सैर करनी पसंद करेंगे इतने। सर होर भी अज तुसी उद्घाटन करने जी, इस तो बाद भी दो कंजैकटिवली जो है दो उद्घाटन हो, वह की ने नैक्सट उद्घाटन है जरा स्काई वॉक बना रहे हैं शहीदा साहब के सामने, वो की है सर स्काई वॉक की, वो बड़ा सोहना प्रोजेक्ट है, उत्थे 60 करोड़ तो उपर की लागत के नाल एक आसमान मतलब हवा च एक बनेगा पुल बनेगा, जिन्हों दोवें साइडों तो आदमी चढ़ सकणगे, लिफ्टां लै सकणगे, एसकलेटर लै सकणगे, पौड़ियां लै सकणगे, सो दोवें साइड के पांच होणगी चीज़ां सारियां, और वो जी थले ट्रैफिक है बिल्कुल डीकंजेस्ट हो जाएगी, बिकॉज पैदल चलने वाला कोई क्रॉस नहीं करेगा सड़क, पार्किंग ठीक करांगे उत्थे ते वो बिल्कुल डीकंजेस्ट कर देंगे उत्थों। सर इनू कितों बंदा चढ़ेगा तो कितने उतरेगा, दूसरा इनू प्रोजेक्ट नूं किन्ना इहदा टाइम बाउंड किया गया, मेरे ख्याल से 1.5 साल पूरा कर लेंगे उन्हूं। हाँ जी, अज लिंक स्टोन रखना वह जी, अज असी रखांगे नहीं पता रखांगे, और जितों पार्किंग है शहीदा साहब की उतों लैके, और दूजी साइड जिते सकत्री बाग का गेट है उतों तक इन्ना जाएगा, ठीक है, अंदाजा अद्धा पौना किलोमीटर,
इनक है जी। तो होर दूजा सर एक भी है प्रोजेक्ट दूसरा जो डंप का शायद प्रोजेक्ट है कोई मशीनरी वगैरह उ नहीं डंप तो नहीं है फिर वो 65 एकड़ जी है ना डेयरी फार्म जो है फतेहपुर उत्थे CND प्लांट लगा उन्होंने केंद्र है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट तो जी डेमोलेशन वेस्ट जो स्लैब वगैरह निकलते हैं सीमेंट के व्डे व्डे ये चुक के उत्तर खड़ा गए उत्तर जाके इन तोड़ के क्रैश करके तो रेत बना के तो वो टाइल्स बन गई या उन्होंने होर किसी प्रयोग लिया जाएगा लेकिन जो सारा कूड़ कबाड़ तुम जरा जिस तरह अट्टा पी सामने जो वरतों नहीं होगी चुक के लै जाएंगे उत्तर क्रैश कर देंगे इन्हों उ करन जा रहे हैं प्लस उत्तर डेयरी कंपलैक्स असी डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन करना च वो बिल्डिंग बनाने लगे उत्थे डिस्पेंसरी उत्थे मंजूर हो गई है परमिशन आ गई है असं उत्थे वेट कर रहे हैं कि सानू जदों अपॉइंटमेंट होंगी है सानू फार्मासिस्ट की और डॉक्टर की तो असं फिर वह भी उद्घाटन करांगे उन्होंने छोटे दो असी कमरे दे देंगे फिलहाल और बाहर शिकंजा लगा देंगे ये सारा काम हुण हो जाएगा बिल्डिंग जो बनेगी 1.5 साल फिर असं बिल्डिंग नवी शिफ्ट कर देंगे उन्होंने। सर एक बड़ी देर तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन की अनाउंसमेंट हुई है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो रही काफ़ी लोग जरा कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हो रही 1.5 महीने तो शायद उत्ते हो गया जी वो थोड़ी लेट हो गई है हम सड़कों थोड़ा लेट आया ना लेट आए हैं और उन्होंने हम वेरीफिकेशन वगैरह हो रही है वेरीफिकेशन होकर जल्द ही असी नोटिफिकेशन कर देंगे। सर डॉग्स का एक मुद्दा कुंवर विजय प्रताप वालों चुकया गया विधानसभा बहुत वड्डा मुद्दा है और काम भी स्टार्ट होया मैं लगता कि वो कंटीन्यूशन नहीं होया कितना कितने रह गया प्रॉब्लम आ गई जरा उन्होंने दोबारा मुद्दा चुकना पाया जी। नहीं कुंवर जी वालों नहीं चुकया गया उन्होंने BRTS का मुद्दा चुकया लेकिन डॉग का मुद्दा होर लोगों चुकया साढ़े मुद्दा चुकने की लड़ नहीं होंगी क्योंकि असं ऑलरेडी ऐसे काम कर रहे हैं हूँ शहर में 20,000 कुत्तियां का स्टरलाइजेशन का फिर प्रोजेक्ट चल पाया लेकिन जो मैं कमिटमेंट की है विधानसभा कि असी यदा फंड क्रिएट करना और 4 मिनिस्ट्रियां जुड़ जाती ने जिद एनिमल हस्बेंड्री है अर्बन बॉडीज़ ने और लोकल गवर्नमेंट है तो चौथी पंचायती राज सो 4 मिनिस्ट्रियां जुड़ के सबको फंड लैके असी इनू लोकल गवर्नमेंट तले लैके आवेंगे और लोकल गवर्नमेंट को सेंटर उत्थे बह के चंडीगढ़ में बह के पूरा प्लान पंजाब वास्ते कर देंगे फंड्स वगैरह एक जगह तो मुहैया करा देंगे अगर हुंदा कि छोटिया जी प्रिंसिपैलिटियां ने छोटी म्यूनसिपैलिटियां ने जितना छोटे जितना हूँ फतेहगढ़ चूड़ियाँ रमदास है अजनाला है मजीठा है राजासांसी है तुम एक्सपैक्ट नहीं करते कि अपना हॉस्पिटल बना के स्टरलाइजेशन करेंगे सो असी उत्थों पैसे खर्च करके कॉमन जगह लभ के उत्थे हॉस्पिटल बना के तो सारे एरिया कवर कर लेंगे पेमेंट असी एक सेंट्रल पूल तो कर दिया करेंगे यह जो प्लान कर रहे हैं ताई काम चलना है। सर एक इस वे जरा पंजाब माहौल बनया पाया जी ज़्यादातर कह रहा पत्रकारों भी जो उन्होंने ब्लॉक किए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ने और फड़ो फड़ाई भी हो रही है कुछ पुलिस कह रही कि नहीं फेक न्यूज़ है लेकिन पत्रकार कह रहे नहीं मेरे घर आए हैं इस तरह का माहौल जो क्रिएट किया गया फैल फिलहाल जो सरकार कह रही है कि उत्ते कर्ब किया जा रहा है जो ठीक किया जा रहा है लेकिन पत्रकारिता से जरा इस तरह का हो रहा चीज़ पहली बार देखने को मिली है की कहना चाहोगे सर ये बारे सानू संयम वरतना चाहिए पंजाब नू इस वक्त लोड़ है पढ़ाई की चंकी सेहत की चंगे कानून की सानू लोड़ है सानू इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चंकी देने की लोड़ है पंजाब बहुत पछड़ गया और सानू ये तो कोई काम नहीं करना चाहिए जिदा सानू होर इस गल च धक्का लगे सो मेरी सबनों ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया ने बहुत जिम्मेवारी ना निभाया करो जी खबर आती है पढ़ के उन्होंने सोच समझ के विचार करके किसी ने फिर गांव पास कराया करो अदरवाइज र्यूमर्स जड़िया ने बहुत नुकसान कर दी कॉर्पोरेशन इलेक्शन का सर नोटिफिकेशन हूँ बहुत नज़दीक है लोग देख रहे कदों अच्छे थी कर देंगे महीने 1.5 महीने तक थोड़ी टाइम लग जाएगा पर अभी हम कर देंगे। सो ये सन जी डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर जिहड़े कि स्थानक सरकारां मंत्री ने उन्हां वल्लों काफ़ी जिहड़ियां क्लैरिफिकेशनस अज्ज कीतियां गईआं ने जिहड़ा स्थान जिहड़ा जिथे खड़े हैं आपां स्पॉट ते वो तारांवाला पुल इतिहासिक पुल है जिथे कि एक दरबार साहब तो जी इत पहली बार जी है इतों बिजली घर बनया सीगा ते इतों हरिमंदर साहब लिए जी बिजली सप्लाई की गई सी उस तो बाद जी है शहर के जी बिजली की सप्लाई वो हुई सी जेकर गल करिए प्रोजेक्ट सी ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैन की उन्होंने कहा भी नोटिफिकेशन लेट हो गई है हाँ लेकिन जल्दी ही जरा भी नोटिफिकेशन जी है वो कढ़ी जाएगी सो कई गल् उन्होंने कही ने जो पंजाब के हालात ने उसते भी उन्होंने कहा भी र्यूमरस ना फैलाओ लेकिन र्यूमरस कई बार बीते कल की गल करिए एक खालस TV के हरशरण कौर जिन्हें कहा जा रहा कि उन्होंने वाल पुलिस गई है और उन्होंने तो पूछगिछ की गई है और उन्होंने फेक न्यूज़ जो प्रशासन वालों दसया जा रहा जबकि हरशरण कौर का कहना है कि साढ़े घर पुलिस आई है और पूछगिछ भी हुई है सवेरे तड़के आई है जिसके उन्होंने को सबूत भी ने सो इस वेले लोड़ है प्रशासन भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो बल्कि जो चौथा थंब है मीडिया उस लैके चलण की जो समाज में सोसायटी असी सही सुनेहा दे सके कैमरामैन गुरदयाल सिंह कुलविंदर सिंह की
अमृतसर तो विशेष रिपोर्ट। रविंदर सिंह सारे स्रोतियों का स्वागत करदा जी। अज असी अमृतसर के इतिहासिक तारा वाले पुल से खड़े हैं। अज स्थानक सरकारा मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर वालों इसका उद्घाटन किया गया। तुहानू दस दिए शुरू तो तुहानू दिखाने भी पहले कित्थे इहदी इतिहास की है ते उस तो बाद जिहड़ा है अज की इत्थे किया गया है ते आने वाले समय के भी इस डिवेलपमेंट्स की जाएंगी। तुहानू मैं दिखाना चाहूँगा इत्थे पुराना बोर्ड है जिस दे उत्ते जिहड़ा आलणे जिहड़े ने लगा बना के लगाए गए ने। काफ़ी साल मेरे ख्याल अंदाज़ा इसकी उम्र जिहड़ी है 50 साल तो उपर ही होगी। सो एक इतिहासिक बोर्ड भी कहा जा सकता इनू। एक पिपल है एक बोर्ड है दोवें इकट्ठे ही ने इत्थे। सो इस दे उत्ते जिहड़े ने आलणे बना के लगाए गए ने लक्कड़ दे। सो तुसीं देख सकते हो नीचे बूटे स्पाइडर प्लांट्स ते पाम जिहड़ा है वो लगाया गया है। इसकी ब्यूटीफिकेशन जी है वो की गई है पत्थर लगा के और इनू एक पिकनिक स्पॉट का जड़ा है वो बना दिता गया है सरकार वालों। सो अगे आओ के तुम दिखाने भी किस तरह जड़ा इसकी बनत जड़ी है वो इतिहासिक बनत की है। तुम दस दिए एक बिजली घर है जिसकी एक बहुत इतिहास न जुड़िया है। इतों सब तो पहले जड़ा है बिजली श्री हरिमंदर साहिब नूं सप्लाई की गई सी। हालांकि जदों बिजली सप्लाई होनी सी उसका विरोध भी किया गया सी। इत्थे पानी जिस तरह तुसी देख सकते हो उपर मशीनस लगी हुई ने हुण रंग कर दित्ती गई ने जंगाल लग गया सी पर फिर भी ये इन्ना क मजबूत लोहा है कि इस दे मतलब इनू बहुत चोरी करन दी भी चोरों वालों कोशिश की गई लेकिन वो टुटा ही नहीं इन्नी क मजबूती दे नाल वो बनाया गया। सो इस स्थान नूं इस दे स्थान की तुहानूं मैं दस दवां कि सेवा जिहड़ी है बाबा अमरीक सिंह जी उन्होंने शुरू करवाई सी जदों के तुहानू याद होएगा कि हरिमंदर साहब की जिहड़ी इत्थों हंसली जांदी है उत्थे उहदी सेवा होई सी ते नाल ही उस तो बाद यह प्रोजैक्ट उन्हां वल्लों शुरू किया गया सी। इसकी साफ सफाई शुरू की गई सी। इस इतिहासिक स्थान नूं जिहड़ा सरकार दी नोटिस विच लिआंदा गया सी हालांकि उदों पिछली सरकार सी मौजूदा सरकार नहीं सी। सो काफ़ी समय तो उन्हां दी जिहड़ी एफर्ट्स जिहड़े जतन चलते रहे तो अज तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी साफ सफाई और इत्थे हमेशा ही जिहड़ा गंद कूड़ा और जिहड़ा होर इस तरह दा जिहड़े चीज़ां पईआं रहिंदियां सी शरारती तत्व जिहड़े ने वो इत्थे बैठे रहिंदे सी। हुण वी एक वड्डा चैलेंज होएगा सरकार वास्ते क्योंकि सरकार जिहड़ियां ने वो चीज़ां तां बनाउंदी है लेकिन उस नूं मेंटेनेंस जिहड़ी है उसकी जिहड़ी करनी औखी हो जाती है। सो तुहानूं दिखावांगे जी इह देखो इत्थे बैरीकेडिंग जां उस लाइन लगा दित्ती गई है बॉर्डर बना दित्ता गया भी इहदे उत्ते ना चढ़िया जावे क्योंकि इह चीज़ां इतिहासिक ने इस नूं छेड़िया नहीं जाना चाहीदा। बहुत सोहनी गल है कि एक सरकार वालों जिहड़ा उपराला किया गया मैं समझदा कि इनिशिएटिव लिता है सरकार ने यह सारा कलर जिहड़ा किया गया इसनों ताकि जंग तो बचाया जा सके। एक इतिहासिक धरोहर है अमृतसर दी और पूरे पंजाब दी भी कह सकते हैं। सो तुसीं देखते हो कि पिछे तुहानूं दिखाया सी जिहड़े शटर जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो शटर सामने नज़र आ रहे ने इत्थों पानी जिहड़ा है वो आंदा सीगा ते फिर छड्या जांदा सी ते अगे टरबाइन जिहड़ी है घूमदी सीगी। आ तुसी टरबाइन देख सकते हो कि यह घूमदी सी जिहदे नाल कि अगे अगे फिर पानी जांदा सी ते अगे बिजली घर जिहड़ा है वो बनिया होया है तुहानू दिखावांगे इत्थों। सो यह टरबाइन है जिहड़ी कि इहदे राहीं जिहड़ा पानी अगे जांदा सी ते इत्थे फिर आ के फिर इत्थे अगे सप्लाई जांदी सी पानी। तुसीं देखो कि वह जिहड़ी हौदी है एक बनी हुई है उहदे राहीं जिहड़ा पानी अगे जांदा सी। सामने जिहड़ा एक प्लेटफॉर्म तुसीं देख सकते हो बिल्कुल सामने पिछे इत्थे जिहड़ा बिजली घर बणिया हुंदा सी इत्थों लोग जिहड़े ने काफ़ी चोरी वगैरह करके लै गए। सो इत्थे सारा सैटअप जिहड़ा बणिया हुंदा सीगा वह जिहड़ा लोकां वल्लों पिछले समय दे विच उहनूं खराब कर दित्ता गया चुरा लिता गया। सो आओ अगे चलते हैं। इत्थे जिहड़ा ये पोर्शन है जिथे कि पानी की स्टोरेज का पोर्शन सीगा उस पोर्शन नूं जिहड़ा है वो काफ़ी बिल्कुल साफ सफाई करके उहदे ते बैठन नूं जगह बना दित्ती गई है। बच्चों के जिहड़े खेडन नूं पार्क टाइप बना दिता गया आला दुआला बूटे जिहड़े ने ला दिते गए ने जिहड़ी एक्सरसाइजिंग ओपन
जिम जिहड़ा है वह भी स्थापित किया गया है। सो एक बहुत वधिया ते रमणीक स्थान आप कह सकते हैं कि बन गया है। पिछे पर्यावरण कमेटी वालों शिकायत की गई सी कि जिथों तक के प्रोजेक्ट जाना चाहिदा सी उत्थों तक के प्रोजेक्ट नहीं गया क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन का हवाला दिता जा रहा है, जबकि कोई भी प्रोजेक्ट जदों बनाया जाता है या उसकी बनतरबंदी वो फाइल तैयार होंगी है वो ओके होंगी है तो सारिया परमिशन लैके होंगी है। सो असी उन्होंने गल भी की है डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर नाल और निगम कमिश्नर ने उन्होंने कहा है कि अगे एक परमिशन लेना जरूरी है। वो परमिशन ली नहीं गई या क्यों नहीं ली गई या पहले दिमाग च नहीं रहा या उस बारे कि अगे तक प्रोजेक्ट जाना है पहले प्रोजेक्ट छोटा बनाना सी या अगे हुण दोबारा फिर चलना है इस बारे तो उ दस सकते हैं, लेकिन तुहानू दिखा रहे हैं कि इस वेले बच्चे जिहड़े ने वह तुसी देख सकते हो कि खेड रहे ने। सो एक बहुत वधिया स्थान सारे नाल वड्डा चैलेंज यह होएगा कि इस स्थान नू मेनटेन किवें करना है क्योंकि इत्थे शरारती तत्व या नशेड़ी आपां जिहनू कह दईए क्योंकि चारे पासे वेखण नू मिलदे ने उन्हां बैठण किवें रोकिया जाएगा कि इत्थे कोई फोर्स जिहड़ी है वह लगाई जाएगी जां पी सी आर दे जिहड़े मुलाजम ने वह इत्थे गश्त रखणगे जां कारपोरेशन दे जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दा कोई ऑफिस इत्थे इस्टैबलिश किया जाएगा जिस तों बाद यह जिहड़ा एरिया ताकि शरारती तत्वों तो बचा रहे तो फैमिलीज़ इत्थे आके अपना पिकनिक स्पॉट का मज़ा लै सकन। इस तों अलावा भी जिहड़े श्रद्धालु आउंदे ने रोज़ का तकरीबन 1 लाख तों उत्ते श्रद्धालु जिहड़ा श्री हरिमंदर साहब ते नतमस्तक होण लई पहुँचता है। सो उस श्रद्धालु भी जिहड़े ने इत्थे आउंदे ने क्योंकि यह मेन रोड है दिल्ली का। जेकर गल करिए दरख्तां दे तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी जिहड़े ने आलणे बना के लगाए गए ने। सो ये पुराने दरख्त ने नवा कोई भी नहीं लगाया गया इन्हां चों पर इसनों सिर्फ एक रूप दिता गया है वधिया सुनखा रूप। सो एक लोड़ है अज अजिहे कई स्पॉट ने जिथे कि अजिहा काम करन दी जरूरत है। जिवें तुसीं देख सकते हो ओपन जिम जिहड़ा है बनाया गया। सो इत्थों तक प्रोजेक्ट जिहड़ा है बनाया गया है ये UBDC प्रोजेक्ट है। तुसीं देख सकते हो कि साढ़े नाल ही जिहड़ी है नहर लंघ रही है अपर बारी दुआब जिहड़ी कनाल जिहनूं आपां कहिंदे UBDC प्रोजेक्ट जिहड़ा कि वर्ल्ड बैंक ने जिहदे वास्ते एक बहुत वड्डी मंजूरी दित्ती है जिहड़ा कि घरों घरी पानी पहुँचाना है नहरी पानी। ये उस प्रोजेक्ट के अंडर ही आपां कह सकते हैं कि UBDC प्रोजेक्ट जिहड़ा है वो इत्थे उहदे अंडर जिहड़ा है सारा किया गया। सो तुसीं देख सकते हो इत्थों तक ही जिहड़ी है हाले तक इहदी कीती गई है बनाया गया है। सो एंड है डॉक्टर निज्जर का कहना कि इस तों अगे तक लैके जावांगे। इस तों अगे दस दईए कि ये तारांवाला पुल है इस तों अगे सुल्तानविंड पिंड का जिहनूं बाईपास कहने सुल्तानविंड वाली नहर कहने जिहनूं वो आ जाएगी। उस तों बाद अगे तरन तरन वाली नहर जिहनूं आपां कहने जिथे कि बाबा भूरी वाले ने बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले ने काफ़ी काम कराया उन्हूं बहुत ब्यूटीफाई किया है और उत्थे भी लोग जिहड़ा पिकनिक वांगू ही मनाउण लई जिहड़ा ना लोग पहुँचते हैं। सो एक वधिया उपराला है इस तों पहले भी जिहड़ा बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले वालों काम करा के एक मॉडल स्थापित किया गया अज सरकार वालों कराया गया। डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर का कहना है कि आने वाले समय के होर भी वधिया प्रोजेक्ट किए जाएंगे। नाल ही उन्होंने कहना है कि जेकर गल करिए रिसोर्सिस की तो प्राइवेट रिसोर्सिस घट होंगे ने सरकारी रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा होंगे ने प्राइवेट तो सरकारी रिसोर्सिस जो मिल जाते हैं तो एक बहुत वधिया जिहड़ा काम हो सकता है। सो उसकी एक अज एक मिसाल वेखन नूं मिली है। सो आने वाले समय च ये उम्मीद करांगे कि इस तरह ही जिहड़ी है पंजाब दे विच नुहार जिहड़ी है बदली रहेगी। अजिहियां थावां जिहड़ियां कि इतिहासिक ने जिहड़ियां कि सरकारां भुल चुकियां ने लोग भुल चुके ने दोबारा उन्हां नूं वधिया तरीके दे नाल मेनटेन किया जाएगा तो लोगों नूं अपने इतिहास का जिथे पता चलेगा उत्थे ही साफ सुथरा माहौल भी वेखन नूं मिलेगा। कैमरामैन गुरदयाल सिंह दे नाल अमृतसर तों कुलविंदर सिंह दी विशेष रिपोर्ट।